राजधानी के सिविल लाइंस की रहने वाली शिदिशा सिंह ने मिसेज इंडिया क्राउन का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथ ही शिदिशा ने मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट बॉडी का अवार्ड भी हासिल किया है। एआर एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से मुंबई में एआर मिसेज इंडिया कंपटीशन में देश भर के 25 शहरों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। बीटेक इंजीनियरिंग कर चुकी और मॉडलिंग से काफी दूर शिदिशा ने पहली बार इस कॉम्पिटिशन में भाग लेकर यह खिताब हासिल किया है। इस दौरान शिदिशा ने राजस्थान संस्कृति और परिवेश को दर्शाते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी। खिताब हासिल करने के बाद जयपुर पहुंची शिदिशा सिंह से बात की हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। एआर मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट के अंदर जयपुर के रहने वाली, गुलाबी नगर की रहने वाली शिदिशा सिंह ने एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए पहली रैंक हासिल करी है और एक बड़ा मुकाम हासिल कर यहाँ पर जयपुर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ यहाँ पर शिदिशा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह रहा पूरा टूर्नामेंट और उसमें किस तरह ये मुकाम हासिल किया उन्होंने। सबसे पहले शिदिशा, आपको बधाई हो। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह पूरा टूर्नामेंट रहा और आपने पहली बार इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया और एक पहली रैंक हासिल करी। जी, थैंक यू सो मच। मैंने ऑडिशंस जयपुर से दिए थे जब मैं अपनी मम्मी को विज़िट करने यहाँ जयपुर आई हुई थी। जयपुर में बहुत सी महिलाओं ने ऑडिशन दिए, बहुत अच्छे ऑडिशंस रहे थे। जल महल पैलेस में उनका ऑडिशन हुआ था, जहाँ पे हमारे 3 राउंड हुए थे, जहाँ पे हमें वॉक करके दिखाना था, जजेस ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके जवाब देने थे, और एक था टैलेंट राउंड जिसमें मैंने डांस किया था। और मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गई थी, मैं अपनी मदर चाची के साथ बस एक एक्सपीरियंस के लिए ऑडिशंस में चली गई थी। और मुझे अभी अगस्त में कॉल आया कि मुझे 15 सितंबर को जो फिनाले हो रहा है बॉम्बे में, वहाँ पे जाना है। तो एआर मिसेज इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया में 20 सिटीज़ में ऑडिशंस लिए थे, जहाँ से अप्रॉक्स 60 लेडीज़ फिनाले में आई थी। और हमारा 11th to 14th पूरा ग्रूमिंग चला था और 15th को उनका ग्रैंड फिनाले था। 60 पार्टिसिपेंट थे, उसके अंदर तमाम तरह से एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे थे जो लगातार इस कंपटीशन से जुड़ते आ रहे हैं, कई बार पार्टिसिपेट भी किया होगा। आपने पहली बार इस पार्टिसिपेट किया और इसमें अचानक से मुकाम हासिल किया, क्या डर नहीं लगा आपको और हेजिटेशन सी महसूस हुई हो? जी, डर तो लगता है, लेकिन फिर वही डर के आगे जीत है। मुझे अभिमन्यु की, महाभारत की एक बात बहुत पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। और मेरी मम्मी से अगर आप मिलेंगे, वो एक बहुत ही दबंग महिला हैं। हाँ, मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि ये मेरा लाइन ऑफ प्रोफेशन नहीं है, मैंने आज तक स्टेज पे इससे पहले कभी वॉक नहीं किया था। लेकिन उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि एक बार किसी चीज़ में कूद जाओ तो फिर अपना 100% दो, हार जीत का ना सोचो। और मैंने भी वही किया। मैं इससे पहले कभी ऐसे ऑडिशंस में गई नहीं। बहुत लोग आए थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, कई टाइटल विनर थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं थी कौन पहले टाइटल विनर रह चुका है, वरना तो हमारे जैसे लोग सेलेक्ट ही ना होते। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और पूरी चाह के लेकर अगर आपने सपना लेने की, सोचने की हिम्मत की है, तो उसे पूरा करने का जज्बा भी आप कहीं ना कहीं रखते होंगे। एक जयपुर में जब पहली बार आप गए यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए, किसी ने रोका टोका नहीं आपको क्योंकि पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी ने ये नहीं बताया कि यार तुमसे आगे और भी लोग हैं, वो पहले हैं, तुम बाद में हो, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी उल्टी कहानी है। मैं बोल रही थी कि मैंने कभी ये नहीं किया, मुझसे होगा नहीं होगा, मैं थोड़ा घबरा रही थी। लेकिन मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है, और ये फैमिली मैं दोनों फैमिलीज बोलूँगी, मेरे इन-लॉज भी और मेरे घर वाले भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे इस जर्नी में मोटिवेट किया है, मुझे नहीं लगता कि इतना मोटिवेशन पाकर मेरे को कोई घबराने की ज़रूरत थी आगे जर्नी में। और हर किसी का पहला टाइम होता है, बस मैं पहले टाइम में लकी रही और मैंने अपनी पूरी मेहनत की तो उसका रिजल्ट मिला मुझे। तमाम बातों को दरकिनार करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया और तमाम महिलाओं को एक मैसेज दिया है कि शादी के बाद भी वो अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर सकती हैं और जो सपना उन्होंने सोच रखा है उस सपने को साकार करके एक बड़ा मुकाम यहाँ पर हासिल कर सकती हैं। तो ये थी हमारे साथ शिदिशा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर। राजधानी जयपुर से यहाँ पर बड़ी